हाँ कीर्ति, नमस्कार। आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस विषय की जिसको लेकर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। चुनावों से ठीक पहले अब सियासी कोहराम मचा है। चुनाव जीतने के लिए सारी मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले कैबिनेट मंत्री नौछमी नारायणा बन गए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस के नेता बकायदा ट्वीट करते हुए कैबिनेट मंत्री पर सियासी हमले कर रहे हैं। बकायदा महिला से रंगीन और अश्लील बातचीत के वीडियो वायरल होने का दावा तक किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता अपने ट्विटर हैंडल से लगातार ये ट्वीट्स कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि बीजेपी के घर से भी बयानों के तीर मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। कोई लैंसडाउन से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर इशारों इशारों में निशाने साध रहा है, तो कोई अपने ट्विटर हैंडल से बकायदा कैबिनेट मंत्री का नाम लिखते हुए ऑडियो वायरल होने का जिक्र तक कर रहा है। तो ये आखिरकार उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है? वैसे विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है, कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन अब चुनावी रंग दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तकनीक के चलते हर हाथ में मोबाइल आ गया, लेकिन अब यह रहा आसान होती हुई दिखाई नहीं दे रही उन लोगों के लिए जो इसके दुष्प्रमाण के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं ना, हम वो आपको ऑडियो सुनाएंगे जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है या फिर कांग्रेस के नेता उसे वायरल कर रहे हैं, ना हम उसकी सत्यता की कोई पुष्टि करते हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के ऑडियो वीडियो ठीक चुनाव से पहले वायरल किए जाते हैं ताकि किसी की छवि चरित्र पर दाग दिखाया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह के हथकंडे अपनाकर क्या राजनीतिक दल चुनाव जीत लेंगे? सिर्फ एक दल की कहानी नहीं है, दल तो दोनों तरफ से ही वार पलटवार कर रहे हैं और निजी हमले कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है, बीजेपी नेता ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अगर यह ऑडियो सच्चा भी है तो इस ऑडियो में कुछ ज्यादा आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन बातचीत में बीच बीच में महिला पुरुष के बीच रंगीन मिजाजी के किस्से हैं, इसका जिक्र किया जा रहा है, बकायदा सोशल मीडिया पर यह वायरल किया जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई है इस ऑडियो के वायरल होने के बाद। एक बार फिर हम कह रहे हैं इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर रहे, इसलिए हम जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस ऑडियो को आपको नहीं सुना रहे। लेकिन कांग्रेस के नेता किस तरह से निजी हमले पर उतारू हो गए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी कम नहीं है। पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी क्या कुछ कह रही हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंसीधर भगत जी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथियों, सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रहा है ऑडियो, वो इतना भद्दा, इतना अश्लील है कि मैं आपके साथ ना उसको साझा कर सकती हूं, ना मैं उसके बारे में कुछ बयान कर सकती हूं। मैं शर्मसार हूं कि हमारी देवभूमि के जनप्रतिनिधि इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं, उन लोगों का दोहन और शोषण कर सकते हैं जिन लोगों को इस वक्त नौकरी की जरूरत है। कितनी अश्लीलता के साथ जो बातें एक महिला से की जा रही हैं उस ऑडियो में, साथियों, मैं निशब्द हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं हतप्रभ हूं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष
इस स्तर तक गिर सकता है और ये कोई पहली बार नहीं है साथियों। इससे पहले हमने देखा कि संजय कुमार इनके संगठन महामंत्री लगातार महिला कार्यकर्ताओं का यौन शोषण करते हुए पाए गए और यहां से बेदखल किए गए। उसके बाद महेश नेगी जो द्वाराहाट के विधायक हैं उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप उन्हीं के गृह क्षेत्र की एक महिला ने लगाया और अपनी बच्ची का पिता होने का आरोप उनके ऊपर लगाया। उसके अलावा इनके ही विधायक हरिद्वार के सुरेश राठौर के ऊपर इन्हीं की महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और अब ये चौथा केस है। विधायक और संगठन महामंत्री से ऊपर उठकर अब ये प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक तरह से चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा निर्वस्त्र हो गई है साथियों, बेनकाब हो गई है और वो भी हमारी पावन भूमि पर, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में। मैं खुद को एम्बैरेस्ड महसूस कर रही हूं, खुद को एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको ये बताते हुए कि वो ऑडियो जब आप सुनेंगे तो शायद सुन नहीं पाएंगे। बंसीधर भगत जी और पूरी की पूरी भाजपा पूरी तरह से आज जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आखिर किस तरह से दोहन और शोषण महिलाओं का कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो निजी हमले किए जा रहे हैं इस चुनावी रण में, एक दूसरे पर सियासी तीर किस तरह से छोड़े जा रहे हैं, ये ट्वीट्स आप देख सकते हैं। बकायदा कांग्रेस के नेता अपने ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं और बकायदा मंत्री का चेहरा मंत्री की फोटो तक ट्वीट की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि एक ऑडियो है और इस ऑडियो में मंत्री जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो एक महिला के साथ अश्लील बातें कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार वार पर वार कर रही है। सबसे पहले मैं अनिल सत्ती जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से अनिल सत्ती जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मोहन काला हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अनिल सत्ती जी, कहां जा रही है ये उत्तराखंड की सियासत, एक निजी हमले हो रहे हैं। जी सर नमस्कार। देखिये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, इनकी नियत और नियति में अंतर है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जितने ज्यादा इनके विधायक और मंत्री रेप में और बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं उतना और किसी पार्टी में ये नहीं है। तो इनकी कथनी और कथनी में अंतर है। और जैसा एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वायरल ये सत्ती साहब, ना सत्ती साहब देखिए प्लीज प्लीज, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ और इस मंच पर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस ऑडियो वीडियो की जो भी ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी सत्यता की पुष्टि ना हम करते हैं और ना हम वो दिखा रहे हैं और ना ही हम दर्शकों को सुना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह के चुनाव में इस तरह के ऑडियो वायरल होते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह। लेकिन संजीव वर्मा जी मेरा कहना यह है, मेरा कहना यह है अगर इसमें 1% भी, संजीव वर्मा जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको, वर्मा जी सर आपका ऑडियो बहुत कम आ रहा है, सर आपका ऑडियो कम आ रहा है, मैं दोबारा से करेक्ट करवा रहा हूं। मोहन काला जी तो आप इसी तरह के हथकंडों से चुनाव जीता जाएगा क्या, मुद्दे छोड़िए राजनीतिक हमले करिए यही चलेगा ना। चावला जी नमस्कार, पहले तो आपको देखिए हथकंडे कांग्रेस का ये कोई हथकंडा नहीं है, ये सोशल मीडिया पे वायरल, जैसा कि अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो है और ये कोई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया हुआ है। अगर आप मुझे बताइए कहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे उसे वायरल जो है स्टार्टिंग में जो हुआ है वो भाई, जब वो सोशल जब सोशल मीडिया पे चल रहा है वीडियो, जब सोशल मीडिया पे पहले से वीडियो चल रहा है तो उसको वायरल और शेयर करना, अनेक लोग उत्तराखंड में उसको जो है शेयर कर रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि निष्पक्ष हम इस पर आरोप नहीं लगा रहे, ये उनका है कि नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जिन कैबिनेट मंत्री पे ये आरोप लगा है या जिनकी जो ये वीडियो वायरल हो रही है ये तो उनका और भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो उस पर अपनी सफाई पेश करे और उस वीडियो की सत्यता को जो है उत्तराखंड की जनता के बीच में लाए। और ये कोई आरोप जो आप बता रहे जो वीडियो वायरल हो रहा है चावला जी,
ये कोई भारतीय जनता पार्टी का चालचरित्र चेहरा यही है, ये कोई नई बात कोई है। अगर आप इस बात को अगर मानते हैं कि आप उसके निष्पक्ष नहीं कर सकते, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर स्पष्टीकरण दे, और वो स्पष्टीकरण इसलिए नहीं देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चालचरित्र चेहरा चावला जी आपको अच्छी तरह से बेहतर मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के देहरादून के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इनके संगठन के महामंत्री पर यौन उत्पीड़न का मामला लगता है, और वो युवती उत्तराखंड की वो बहन वो बेटी दर दर ठोकरे खाती है न्याय पाने के लिए। आपने देखा किस तरह का हर्ष उस बेटी के साथ हुआ। अभी अगर मैं आपसे बात करूं दूसरा मामला, इनके जो महेश नेगी जी जिनका इन्होंने टिकट काट दिया, किस वजह से उनका टिकट कटा चावला जी जरा बताएंगे आप मुझे? जब उन पर यौन उत्पीड़न का मामला आरोप लगता है और वो सिद्ध होता है तब जाकर उनका टिकट कटता है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप यहाँ वीडियो वायरल की बात कर रहे हैं, आप यहाँ ऑडियो की बात वायरल की बात कर रहे हैं, इनके तो पूरी पूरी फिल्में रिलीज हो जाती हैं। आप हिमाचल में देखिए किस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं की जो है वीडियो जो है वो ओपन होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का। और अगर इस पे किसी चीज की कोई वीडियो वायरल हुई है और उसमें बंसीधर भगत जी की आवाज को वो बता रहे हैं, तो वो उनको आपके नेताओं की वीडियो नहीं आई कभी, छोड़िए तो चलेगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। हेलो जी, नहीं लीजिए ना आप लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप लीजिए, पर मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा चावला जी किसे छुपा ही नहीं है। और अगर ये वीडियो वायरल, आप वीडियो अगर वायरल हो रही है तो ये बंसीधर भगत जी अपने स्पष्टीकरण दे उस पे। नौछमी नारायणा, मैं दिखाऊं आपको, नौछमी नारायणा लिखा जा रहा उसपे। आप जब सोशल मीडिया पे चल रहा है तो वो दुनिया देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा सब लोग देख रहे हैं, और वो किस तरीके से महिला से बात कर रहे हैं शायद आप वो भी देख रहे होंगे। अब इसमें भी अगर आप ये कहें, और इसमें जो है स्पष्टीकरण उनको देना है, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण को ही देना है, आपने स्पष्टीकरण को ही देना है। उसके बाद संजीव वर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अनिल सत्ती साहब, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि जो था हमने तो जनता को दिखा दिया, और पहली वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर था। अगर हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ला रहे तो बताइए, वो कह रहे हैं जो पहले भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर था हमने तो जनता को और बता दिया, और हम गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। या तो बीजेपी इसकी जो है ऑडियो की सत्यता की पुष्टि कर दे, या फिर बता दे कि हकीकत क्या है। अनिल सत्ती साहब, देखिए जैसा अब चुनाव चरम पर है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, दोनों ही पार्टियों से लगते हैं, ये होता है। लेकिन अधिकांशतः आप देखोगे कि बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं या विधायक हैं, आप अगर हरिद्वार की बात करें, ज्वालापुर की बात करें, तो सुरेश राठौर जिन पे बलात्कार का मुकदमा दर्ज था, महेश नेगी की अगर आप बात करें, आप ऐसे कई नेता है बीजेपी के अंदर, सेंगर की बात करें, चिमान की बात करें, तो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये मतलब धर्म की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी पार्टी में महिला का सम्मान नहीं होता, महिलाओं को किसी और दृष्टि से इनके यहाँ देखा जाता है। अधिकांश अगर आप मामले देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे सर्वाधिक मामले इस तरह के आते हैं। और जहां तक बात है, मैं आपको धर्मनगरी हरिद्वार की बात करूं, तो धर्मनगरी का पूरा चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी ने शराब के बलबूते पे चला दिया है। आप आए दिन शराब पकड़ी जा रही है, कभी मंडल उपाध्यक्ष पकड़ा जा रहा है, कभी पूर्व पार्षद पकड़ा जा रहा है, मतलब इन्होंने मतलब पूरा जो चुनाव है वो धन बल दारू मुर्गा इस पे चुनाव कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म और राष्ट्र की बात करती है, लेकिन इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। ये धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जनता को बलगाने की बात करते हैं, और महिला का जो, जहां तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं में इस पार्टी में सम्मान नहीं है, ये बात किसी अछूती नहीं है, सब जानते हैं। अनिल सत्ती साहब, एक कमेंट आया, फिर संजीव वर्मा जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास रुक करूंगा। एक कमेंट आया लाइव में, कह रहे हैं अनिल सत्ती साहब कांग्रेस से बड़ी मोहब्बत दिखाई दे रही है आपको, क्या चक्कर है? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल कोई मोहब्बत नहीं है। इस समय क्या हम कहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, बीजेपी सत्ता में है, और सबसे अधिकांश अगर आप देखोगे कि इन 5 सालों में जो बीजेपी में, आप ये देखिए, मैं महेश नेगी की बात करूं तो कांग्रेस में नहीं है, मैं अगर बात करूं सुरेश राठौर की, तो चुनाव के वक्त निधि हम लोग को जायज मानते हैं जी, चुनाव के वक्त निधि हम लोग को जायज मानते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा कहना यह है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर ये सत्यता है, इसमें 1% भी सत्यता है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह इस उम्र में अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कुतर्क करता है तो उसे उसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छ राजनीति में ये सही नहीं है। एक वीडियो तो कर्नल कोठियाल का भी वायरल होने का दावा किया गया था, तब आप लोगों को भी बुरा लगा हुआ ना कि नहीं लगा था?
देखिए वो कब का है, वो कब का वीडियो है। देखिए जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मैं अनिल सत्ती साहब, कभी आपने भी तो उस पर सफाई नहीं दी, आपके नेताओं ने तो उसका भी सफाई नहीं दी। वो ऑडियो वीडियो झूठा था या नहीं, नहीं। सही था? देखिए जहां तक मुझे पता है वो एक किसी कॉलेज वॉलेज के टाइम का वीडियो है, और क्या हम कहते हैं उस वक्त मेरे ख्याल से कोई पार्टी वार्टी का वो वीडियो है, और उसमें जिसमें ये भी था कि उसमें माफी भी मांग ली गई थी, जो भी था। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि अब जब ये कर्नल गोडियाल जी का जीवन कोई नया जीवन नहीं है, लेकिन राजनीति में आते ही इस तरह के जो वीडियो वायरल, तो आप उस पर जाएंगे, अपने नेताओं के गिरबान में नहीं जाएंगे। नहीं बकायदा मुकदमे, नहीं बकायदा मुकदमे दर्ज है, बकायदा मुकदमे दर्ज है। महेश नेगी पे तो पीड़ित महिला ने कितने आरोप लगाए। आप ज्वालापुर की बात करें, सुरेश राठौर की बात करें, आप देखिए उस पर तो क्या हम कहते हैं स्वयं कोर्ट ने संज्ञान लेके दोबारा फाइल को खोला है। तो ये बात एक देखिए आरोप लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन जब मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाता है, माननीय न्यायालय तक पहुंच जाता है, तो फिर वो विषय गंभीर हो जाता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव भी होता है। ओके, आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष का दबाव होता है और इसलिए जो है ये नीचे हमले तब जायज हो जाते हैं जब चुनाव नजदीक आता है। लेकिन काला साहब, अब मैं आपको एक और बयान सुनाता हूँ, संजीव वर्मा जी जुड़े, तब तक एक बयान और सुनाता हूँ, और उस बयान को भी गंभीरता से इसलिए लीजिएगा क्योंकि ये बयान विधायक का है, लैंसडाउन के विधायक का, और वो किस तरह से इशारों इशारों में हरक सिंह रावत पर सियासी हमला बोल रहे हैं। अब मैं उसे वो प्ले करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दिलीप सिंह रावत का ये ऑडियो वीडियो जो है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, प्लीज इस बयान को प्ले करिए। बहुत सारी बातें तुम्हारे यानी जी ने कह दिया, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूं, मेरे को एक फोन आया, मैंने उनकी आवाज भी और उनका फोन नंबर भी सेव कर रखा है। वो कह रही है भैया मेरे दो बच्चे हैं, मैं इनके पिता को ढूंढ रही हूं। पहले मैं रुद्रप्रयाग गई ढूंढते ढूंढते, फिर मैं पौड़ी आई, फिर पिछली बार लैंसडाउन विधानसभा आई, फिर मैं कोटद्वार आई, अब लैंसडाउन विधानसभा में मैंने सुना के पिताजी ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढ रही हूं कि कहां है उनके पिता। मैं कभी स्कूल में जाता हूं, मैं कभी स्कूल में जाता हूं तो बच्चे को खेलकूद में कोई पढ़ाई में आगे बढ़ता है तो मैं उनको एक मेडल उनके गले में डालता हूं। वो समझते हैं कि हमारा जो नेता मुझे मेडल डाल रहा है वो मेरा आदर्श होगा, उनके बच्चों पे हम चलेंगे। और आप समझिए कि अगर जिनका चरित्र नहीं होगा, अगर वो बच्चे के गले में मेडल डालेंगे तो क्या बच्चा उसको अपना आदर्श समझेगा? वो कहेगा ये मेडल ने मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया जिससे मैं सम्मानित हो रहा हूं। यह स्थिति है और झूठ की कोई पराकाष्ठा नहीं। आप ही बताइए, सारे लैंसडाउन के लोग बैठे हैं, मेरे पास एक करोड़ आपसे मैंने गाड़ी में भरते नहीं ला रखी, 12-12, 15-15 गाड़ी ला रहे हैं, तब अपनी ध्याड़ी में हो रही है जैसे कार भी। ये लैंसडाउन प्रॉपर लैंसडाउन, वो यहां बड़ी बड़ी कम बातें हैं कि मैंने वहां ये किया कि मैंने वहां पर्यटक नहीं आते थे, 2000 के भाषण सुनना था मैं भी कि पर्यटक नहीं आते थे लैंसडाउन में, मैंने जब खुला ताल बनाया तो मैं पर्यटक ही पर्यटक हो गए। अब आप ही बताओ खुला ताल क्या उन्होंने बनाया, फौज ने बनाया, आप बताइए। माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि एक औरत बच्चे को लेकर घूम रही है और अपने पिता की तलाश कर रही है, समझ रहे हैं ना आप किस पे ये सियासी हमले हो रहे हैं? शायद वो कह रहे थे कि शायद जो है वो पहले चावला जी नगर गई, पौड़ी गई, फिर कोटद्वार गई, फिर लैंसडाउन आई। चावला जी, मैं दिलीप सिंह रावत जी के बयान को सुनने के बाद, ये भी वीडियो वायरल है, वो लैंसडाउन में भाषण में कह रहे हैं, मैं दिलीप सिंह रावत जी से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो बेटी अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रही थी और जिन पर वो आज आरोप लगा रहे हैं, जब उनको जो है उनके कहने पर, उनके दबाव में आकर उनको जो है उनके कहने पर उनकी निधि बढ़ाई जाती है, उनके काम किए जाते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में 9 विधायकों को तोड़ के ले जाते हैं, तब ये कहाँ थे? तब दिलीप सिंह रावत जी को उस बच्चे की याद क्यों नहीं आई? तब दिलीप सिंह रावत जी को उस महिला की याद क्यों नहीं आई? मैं अभी आपसे यही तो कह रहा था चावला जी कि भाजपा का चाल चरित चेहरा यही है अपमान करने का। आपको तब आप उसको उस महिला के न्याय की, क्योंकि आपकी तो सत्ता थी,
और आपकी सत्ता में वो कैबिनेट मंत्री बनकर बैठे थे और आपने कोर्ट द्वार से उनको टिकट दिया था, तब आपने क्यों नहीं उनको जेल भेजने का काम किया, तब क्यों नहीं आपने उस बेटी को न्याय दिलाने का काम किया, तब आपने क्यों नहीं उस बेटी को न्याय दिलाया जिसमें 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 भाजपा के संगठन जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री संजय सिंह पर आरोप लगते हैं। मोहन काला जी लाइव में कमेंट आया, फिर मैं अनिल सत्ती जी आपके पास आ रहा हूँ, कह रहे हैं कि उन मंत्री जी की डीएनए रिपोर्ट आने वाली थी, आज तक नहीं आई, 2002 से इंतजार कर रहे हैं, 2005 या 6 होगा शायद, गलत लिखी है उन्होंने। निश्चित तौर पर जो कमेंट आया है वो गलत है। यही कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां सोए थे 5 साल, जो दिलीप सिंह रावत जी आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं अपने भाषणों में चुनाव जीतने के लिए जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी सरकार थी और वो कहते थे कि हमारी तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम न्याय करने वाले हैं। आपकी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर है? नहीं, हमारी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर किसने कहा आपको ब्रांड एम्बेसडर है इस टाइम? हमारे यहाँ गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, वो तो ब्रांड एम्बेसडर भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनके कहने पे धामी जी उनके घर पहुंच जाते हैं। और मैं दिलीप सिंह रावत जी से पूछना चाहता हूँ कि दिलीप सिंह रावत जी कहाँ थे 5 साल जब वो कैबिनेट मंत्री थे, क्यों उनको कैबिनेट मंत्री बनने दिया था, क्यों नहीं, क्यों उनके कहने पर, क्यों कहने उन्होंने, ये जो वायरल हो रहा है ये वाला सुना था? और चावला जी मैं अपनी बात को रख दूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं जो महेश नेगी जिनका शिकार उत्तराखंड की बेटी हुई थी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस बेटी को न्याय दे दिया? वो बेटी आज भी दर्द की ठोकरे खा रही है, बच्चा लिए वो भी बच्चा लिए ठोकरे खा रही है, वो भी देखते सर आज तक किस किस को कितना न्याय मिला, वो तो एक आज 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 वो भी बेटी दर्द अपने बच्चा लेके ठोकरे खा रही है, महेश नेगी का बच्चा लेकर। और आप देखिए कि संजय नेगी जो संगठन के महामंत्री है, अनिल सत्ती साहब जी जी सुना आपने ये बयान दिलीप रावत का, दोबारा प्ले करूं? देखिए मैं, हाँ जी दोबारा प्ले कर लीजिए बात, दोबारा प्ले कर दूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मैं दोबारा सुना दूं आपको, सुनना चाहेंगे आप किस तरह से जो राजनीति का स्तर गिर रहा है, किस तरह से निजी हमले हो रहे हैं, ऐसा ही एक बयान पहले भी दिया था एक मंत्री ने। देखिए मैं कहूँ, इस प्रदेश का, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इन 22 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी राज किया है और एक इस प्रदेश का दोहन करने का काम किया है, चाहे वो महिला की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो कई बात हो, आज तक ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने दूसरे की जांच बिठा दी, दूसरे ने उसकी जांच दबा दी, तो इन्होंने यही काम किया है। जब विपक्ष में होते हैं तो एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसको दबा देते हैं। लेकिन अभी आप ये देखिए, जब तिलक सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने फटी जींस लड़कियों के जींसों पे टिप्पणी की थी, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता है, हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। दिल्ली में आपके आप पार्टी के नेता पर विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगा, आप अभी अभी चावला जी आपको कुंडल कोटियाल की वीडियो बता रहे थे सती जी, और ये पूरे देश में, ये पूरे देश में सती जी, पूरे देश में सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, देखिए सती जी पूरे पूरे देश में लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किसके रूप में काम कर रही है, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आप क्षेत्र में प्रचार करने जा रहे होंगे ना, वहाँ लोग आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे होंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में लड़ने का काम नहीं करेंगे, आप और जगह लड़ने का काम नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि कांग्रेस मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, आप वहीं वहीं पर अपना झंडा लेकर चलते हैं। और उत्तराखंड में चुनाव में लड़ने से पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चारों खाने चीत हुई है, वो सती जी लोग आपके बारे में समझ चुके हैं, इसलिए आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। आप ये सोचिए कि चुनाव के कार्यकारी अध्यक्ष
आपके कार्यकारी अध्यक्ष छोड़ के चले जाते हैं, आपके प्रत्याशी छोड़ के चले जाते हैं। सती जी आप अपनी चिंता करिए, कांग्रेस को किसने डुबाया, कांग्रेस को कौन उठाएगा, आप इसकी चिंता मत करिए। पूरा उत्तराखंड जिसको भाजपा से टिकट नहीं मिलता भाजपा में जाता है, समझिए टिकट नहीं मिलता भाजपा में जाता है। आम आदमी पार्टी में लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो अभी आम आदमी पार्टी तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आपके जो विधायक है जिसको टिकट नहीं मिला वो भाजपा में गया, भाजपा में टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में आया, तो ए बी टीम कौन है भाई? आप कहते हो कि भाई हमारे नकार है तुम ले लो, तुम कहते हो हमारे नकार है आप ले लो। आपके तो पहले, आपके पार्टी तो पहले चुनाव में उत्तराखंड में क्या हाल हो गया सती जी, उस पर चिंता करिए। पहले चुनाव में क्या हाल हो गया, किस किस तरीके के आरोप लगे, विकास नगर में कार्यालय में क्या हाल हुआ आपको मालूम होगा। देखिए रायपुर पार्टी के पास होने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है। आप अपनी जमीन तलाशिए दिल्ली में, आपकी गलतफहमी थी, दिल्ली दूर हुई पंजाब में भी दूर होने वाली है, और यही हाल उत्तराखंड में होगा। आम आदमी पार्टी का वोटर साइलेंट वोटर होता है। 10 मार्च का इंतजार करिए, आप 10 मार्च का इंतजार करिए, आपको जवाब मिलेगा। अनिल सत्ती साहब, काला साहब एक मिनट, अनिल सत्ती साहब का ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जिस मुद्दों के आधार पर होना चाहिए उन मुद्दों से आप भटक चुका है? चावला जी मैं आपको अपना बता दूं, चावला जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, क्या उसमें जनहित के मुद्दे नहीं है? सर मैनिफेस्टो तो हम महंगाई को लेकर, हम बेरोजगारी पर, हम उत्तराखंड के 454 लोगों को लेकर, हम लगातार उन मुद्दों को लेकर बीच में जा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, हम कहां वहां पर प्लटवार कर रहे हैं? हम निष्पक्ष महंगाई, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और आप इस तरह के ट्वीट्स करेंगे। अरे सती साहब अपनी बात, अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। एक मिनट चावला जी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करी, आप मुझे बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है धामी जी, वो कलियर शरीफ पर चादर चढ़ाने जाते हैं, धन सिंह रावत जी जाते हैं, क्या वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़े हैं? फिर आप मुझे बताइए शहनवाज हुसैन कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, नजमा अतुल्ला कौन है, सदाब शम्स कौन है, बताइए आप मुझे। आज पूरे बिल्डिंग में आप शहनवाज हुसैन को लेकर वोट मांगने जाते हैं, क्या किस लिए जा रहे हैं आप वहां पर? आप पूरे प्रदेश में, आप पूरे देश में आप ऐलान करिए ना कि आपको मुस्लिम मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा यही है, भारतीय जनता पार्टी के तो दामाद मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 21 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 9,245 घोषणाएं करी अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन 18 ही पूरी करी है। तो ये मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र आप लेके आते हो, बेहतर होता जो आप अपनी पिछली सरकार का घोषणा पत्र भी लेके आते इससे पहले, और फिर ये कहते कि देखो ये हमने वादे पूरे किए थे, नया हमारा घोषणा पत्र है। आपका घोषणा पत्र केवल एक कूड़े का ढेर, कचरे के अलावा कुछ नहीं होता। आप बेहतर होता आप जब दूसरी बार सती जी, काला जी मेरी बात सुनो, हमारे मैनिफेस्टो में गैरसैंण ठीक है, आएंगे तो बनाएंगे, हम अपनी तरह वादे नहीं करते। आप गैरसैंण अल्पकालीन और ग्रीष्मकालीन नहीं करते हम। आप गैर देखिए काला जी, आप मुद्दों पे आइए, आप मुद्दे पे आइए, आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, डालने का किसने काम किया? आप अपना पिछला पिछली सरकार का घोषणा पत्र दिखा दीजिए, कितने वादे पूरे किए आपने? विधानसभा चलाने का काम किया, घोषणा पत्र डालने का काम किया हमने। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि घोषणा पत्र राजधानी हो रहा है, घोषणा नहीं हो रहा है, धरातल पे काम नहीं होते। काला जी एक सेकंड, अनिल सत्ती ये गलत क्या है? पिछले एक महीने से तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आपके नेताओं से, कभी आपके बड़े नेता गैरसैंण गए हैं? कभी कोई बताता ही नहीं, कम से कम इस एक महीने में तो उनको एक बार दौरा करवा देते गैरसैंण का। मैं गलत थोड़ा कह रहा हूँ, एक रात रुकवा देते बड़े नेताओं को, कम से कम कागज को संतुष्टि हो जाती कि हाँ एक बार तो गए गैरसैंण। देखिए तिलोक जी, अगर हमारे गैरसैंण जाने से गैरसैंण का विकास हो जाता तो हम बेहतर जाते। हम सत्ता में आएंगे और हम गैरसैंण हमारी राजधानी, स्थायी राजधानी हम बनाएंगे, हमने हमारे मैनिफेस्टो में लिखकर दिखाएंगे। कभी गैरसैंण गए नहीं, देखिए बनाएंगे। देखिए अभी देखिए आम आदमी पार्टी से इतनी उम्मीद भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक बार सरकार में आए यहाँ उत्तराखंड में। और हम भी ये कहते हैं, हम पूरी घोषणा नहीं कहते, हम जो कहते हैं उसे करते हैं। हमारा जो वचन पत्र है, बहुत बड़ी बात होगी सती जी आपके लिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस ने आपका घोषणा पत्र जो है कॉपी कट पेस्ट कर लिया? आपकी गारंटी बिल्कुल किया, दिल्ली के जो भी कार्य हमने किए हैं इनको इन्होंने उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। आप मुझे बताइए कि इन 21 सालों में 10 साल कांग्रेस रही है, 10 साल भाजपा रही है। अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार है तो अपनी सत्ता में सरकार पूर्व का घोषणा पत्र लेके दे कि हमने ये वादे पूरे किए थे। सती जी मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में 20 रुपए भरपेट भोजन देती है क्या आम आदमी पार्टी? यहाँ कांग्रेस ने दिया उत्तराखंड में 20 रुपए भरपेट भोजन, इंदिरा भोजनालय।
चावला जी से पूछिए, शायद आपको पता नहीं होगा। नहीं, अब चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी से, बंद किया आप जो कह रहे हैं, पूछिए भारतीय जनता पार्टी से। मैं सरकार में कोई था, आप कह रहे हैं महिलाओं को फ्री यात्रा देने की बात। हमने 2012 से और 2017 के बीच में हरीश रावत जी के नेतृत्व में हमने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा से निःशुल्क यात्रा देने का काम किया। हमने सीनियर सिटीजन को उत्तराखंड की बसों में आप आधार कार्ड दिखाइए और फ्री यात्रा देने का काम किया। कौन सी दुनिया में है सती जी आप? और आप दिल्ली के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं ना, वो शीला दीक्षित जी को दुहाई दीजिए कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का मॉडल बनाने का और दिल्ली का नक्शा बदलने का काम किया। और आप इस बात में चिंतित मत होइए, आप परेशान मत होइए, 11 मार्च को आपको जो है उत्तराखंड की जनता जो है वो जवाब देगी। और आम आदमी पार्टी का जो, मैं नहीं जानता आपका मैनिफेस्टो आया कि नहीं आया, पर कांग्रेस महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी को लेकर और इस पर बेरोजगारों की बेरोजगारी को लेकर जो जनता के बीच में है और जनता के बीच में जाकर उसको जो है बेखौफी और जनता का भरपूर साथ कांग्रेस को मिल भी रहा है उसके लिए। काला जी, 10 साल आपने राज किया है, 10 साल बीजेपी ने किया है, जनता समझ चुकी है। सती जी सेलाकुई में जाइए, देखिए इंडस्ट्रीज एरिया 10 साल में वो कांग्रेस की देन है। जाइए पिटकुल में, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसमें, वो कितने उत्तराखंड के कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, देखिए। आप बैठ के करेंगे क्या फिर? आप बैठ के सिर्फ चुनाव लड़ने आएंगे? आप सिर्फ चुनाव लड़कर जो है आप जनता को बरगला कर जाएंगे? जाइए सेलाकुई में, वहां जाके इंडस्ट्रीज एरिया में, फैक्ट्रियों में जाकर कितने युवा काम कर रहे हैं वहां पर? एक मिनट काला साहब, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात। नहीं सर, मैं काबिल नहीं हूँ सर, मैं तो आपका बहुत कम ऐसे काबिल प्रवक्ता आते। एक बात मुझे बताइए कि अभी कमेंट आया कि लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल है, लाल कुआं में जहां से हरीश रावत जी चुनाव कह रहे कि वहां पे पता कर लो कि कितने स्थायियों को रोजगार मिला हुआ है। सर मैं पता करूं या 5 साल में संजीव जी जुड़े नहीं है, संजीव जी पता करेंगे उन्होंने कितने लोगों को बेरोजगार किया। अच्छा। आप मुझे बताइए सर, हरिद्वार में इंडस्ट्रीज एरिया डालने का काम कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आप मुझे बताइए सेलाकुई में जो फैक्ट्री लगी एनडी तिवारी जी की देन कांग्रेस की सरकार की देन है कि नहीं है? आप मुझे बताइए कीचा और सितारगंज में जो फैक्ट्रियां लगी उसके बाद कितनी इंडस्ट्री लगी? हरीश रावत के शासन काल में, छोड़ दीजिए विजय बोगड़ा, चलिए ठीक है उसका उनका कार्यकाल मत गिनिए, हरीश रावत जी के शासन काल में कितनी इंडस्ट्री लगी? नहीं, हरीश रावत जी के शासन काल में 32,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड आप जाके देखिए, 32,000 लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हरीश, उनसे भी मांगता हूँ मैं तो बीजेपी। मैं तो सर आपको कह रहा हूँ, अगर मेरा दावा दीजिए, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बात कर, मैं आपसे 32,000 लोगों के रोजगार की बात कर रहा हूँ चावला जी, और आप एक बहुत निष्पक्ष पत्रकार है और आप इसकी सत्यता पर भी जाकर देख सकते हैं कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई झूठ भारतीय जनता, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के झूठ की तरह झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मैं तब भी कही थी और अब भी कह रहा हूँ कि आप लोग विभाग अनुसार, मैंने हरीश रावत जी को भी यह बात बोली और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी यही बात बोली, इंटरव्यू पड़ा हुआ दोनों का टाइमलाइन पर, मैंने दोनों से यह बात बोली कि आप लोग विभाग अनुसार सूची जारी कर दीजिए नाम अनुसार और नंबर के अनुसार, ताकि पता चल जाए किस विभाग में किसको नौकरी मिली और उसका नंबर क्या है, सार्वजनिक रूप से दोनों जारी कर दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिरकार अनिल सत्ती साहब, जिस तरह से ये सियासी हमले हो रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, कुछ घंटों के बाद चुनाव होना है, लेकिन अब सीधे तौर पर निजी हमले हो रहे हैं, इससे कितना जायज माना जाए? लेकिन संजीव वर्मा उसके साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से बीजेपी की तरफ से। संजीव वर्मा जी, मेरा ऑडियो आ रहा है सर? अब आपको बिल्कुल आपका भी परफेक्ट आ रहा है संजीव वर्मा जी। जी संजीव वर्मा जी, बंशीधर भगत जी का नाम लेते हुए बकायदा कांग्रेस के प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका महिलाओं के साथ अश्लील ऑडियो, हम वो ऑडियो नहीं सुना रहे, जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं वो ऑडियो हमें भी भेजा गया, हम नहीं चला रहे इसकी सत्यता के आधार पर, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह से चुनाव के वक्त इस तरह के राजनीतिक हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन काला साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं से पूछिए कि उसमें सत्यता है या फिर नहीं, अगर सत्यता है तो बताइए, नहीं है तो उसका खंडन करिए। संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? वर्मा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव वर्मा जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अनिल सत्ती जी अपनी बात पूरी करिए, फिर संजीव वर्मा जी के पास जा रहा हूं मैं।
जी मैं यही कह रहा हूं, इस प्रदेश का दुर्भाग्य की कि साल हो गए मुद्दों पे विकास के नाम पर या मुद्दों के नाम पर कोई भी पार्टी वोट नहीं मांगती। जब भी चुनाव आ जाता है, जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में से ये कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान दे देते हैं जिससे विकास के मुद्दे इतर हो जाते हैं और इन्हीं दो मुद्दों पर चुनाव निपट जाता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास ना कोई विकास का एजेंडा है। और जब भी चुनाव आप देखिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे किसी अन्य राज्य का चुनाव हो, जब भी चुनाव आता है कोई या तो कोई कांग्रेस का नेता कोई ऐसा विवादित बयान दे देगा जिसे भाजपा पकड़ लेती है और पूरा उस चुनाव को पूरा मैनेज कर लेती है। तो ये जनता को समझना होगा कि उनको विकास चाहिए, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए या इस तरह की बातें चाहिए। हम इसके पक्ष में नहीं है, हम ये कहते हैं कि रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, अस्पतालों पे बात करो, स्कूलों पे बात करो। लेकिन इन पार्टियों का शुरू से ये रहा है कि जब कोई चुनाव आएगा, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो बुरखा हो, चाहे वो फिर वो क्या कहते हैं फिर वो जिन्ना हो, ये कब्र से बाहर आ जाते हैं और चुनाव खत्म होती सब चीजें इधर हो जाती हैं। तो ये बहुत इस ये एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए, जो भी आज के जो मुद्दों पर बात होनी चाहिए कि हम जब डिबेट करें तो हम ये कहें कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया और आंकड़ों के साथ आए। अगर हम कहते हैं कि हम 23,000 हमने रोजगार दिए तो हमारे पास अपुख्ते आंकड़ा हो, जब अगर धामी जी कहते हैं कि हमने इतना काम कर दिया तो उनके पास आंकड़े होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का है, पूरे देश का है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विकास के नाम पर बात नहीं होती, जहां शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर बात नहीं होती। जब चुनाव आता है दो चार दिन रह जाते हैं तो ये जिन्ना हिंदू मुस्लिम और ये मौलाना मुस्लिम ये सब चीजें आ जाती हैं। हमारा स्पष्ट कहना है स्कूल खुलेगा तो उसमें हिंदू का बच्चा भी जाएगा, मुस्लिम का बच्चा। स्टोरी का बयान दोबारा से सुनाऊं, गरिमा जी का बयान दोबारा से सुनाता हूं, काला साहब जिसमें सत्ती साहब कह रहे थे, और फिर उसके बाद वो वाला बयान भी सुनाऊंगा जिस पर सत्ती साहब ने कहा था कि मुझे सुनाई नहीं दिया, जिसको पूरा उत्तराखंड सुन रहा है, दिलीप रावत जी का बयान, वो बच्चे वाला, एक महिला बच्चा लेकर घूम रही है, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले जरा गरिमा दसोनी क्या कुछ कह रही हैं, किस तरह से उन्होंने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए और उन ऑडियो का जिक्र किया जो ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं। जरा तनु का फोन लगा, जल्दी मेरा फोन कनेक्ट कर दो, सुनाते हैं जल्दी गरिमा दसोनी क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंसीधर भगत जी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथियों, सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रहा है ऑडियो, वो इतना भद्दा, इतना अश्लील है कि मैं आपके साथ ना उसको साझा कर सकती हूं, ना मैं उसके बारे में कुछ बयान कर सकती हूं। मैं शर्मसार हूं कि हमारी देवभूमि के जनप्रतिनिधि इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं, उन लोगों का दोहन और शोषण कर सकते हैं जिन लोगों को इस वक्त नौकरी की जरूरत है। कितनी अश्लीलता के साथ जो बातें एक महिला से की जा रही हैं उस ऑडियो में, साथियों मैं निशब्द हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं हतप्रभ हूं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष इस स्तर तक गिर सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं है साथियों, इससे पहले हमने देखा कि संजय कुमार इनके संगठन महामंत्री लगातार महिला कार्यकर्ताओं का यौन शोषण करते हुए पाए गए और यहां से बेदखल किए गए। उसके बाद महेश नेगी जो द्वाराहाट के विधायक हैं, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप उन्हीं के गृह क्षेत्र की एक महिला ने लगाया और अपनी बच्ची का पिता होने का आरोप उनके ऊपर लगाया। उसके अलावा इनके ही विधायक हरिद्वार के सुरेश राठौर के ऊपर इन्हीं की महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और अब ये चौथा केस है। विधायक और संगठन महामंत्री से ऊपर उठकर अब ये प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक तरह से चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा निर्वस्त्र हो गई है साथियों, बेनकाब हो गई है, और वो भी हमारी पावन भूमि पर, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में। मैं खुद को एम्बैरेस्ड महसूस कर रही हूं, खुद को एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको ये बताते हुए कि वो ऑडियो जब आप सुनेंगे तो शायद सुन नहीं पाएंगे। बंसीधर भगत जी और पूरी की पूरी भाजपा पूरी तरह से आज जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आखिर किस तरह से दोहन और शोषण महिलाओं का कर रहे हैं वो आपके सामने है। पर आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाते हुए और बकायदा उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए हैं और बकायदा नाम लिया गया है उन कैबिनेट मंत्री का
जिनका ऑडियो होने का दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि हम पुष्टि नहीं करते हैं ना हम वो ऑडियो सुना रहे हैं। हाँ वाकई में ये बात सत्य है कि उस ऑडियो में बहुत कुछ आपत्तिजनक बातें हैं। सीधा रुक कर रहे हैं संजीव वर्मा जी, वो ऑडियो काला साहब कह रहे हैं कि पुष्टि कर दीजिए या तो सत्य है या फिर असत्य। कह रहे हैं आपने सुना क्या? काला जी कह रहे थे पूछिएगा संजीव वर्मा जी से, आपने सुना ऑडियो वाला? देखिए तिलक जी, ना तो मेरे को ऐसी किसी ऑडियो के बारे में कोई जानकारी है और ना मैंने कोई ऑडियो सुना है। और बात रही इस तरह के नर्गल ऑडियो वगैरह की, तो ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय इस तरह के एडिट वीडियोस ऑडियोस आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जो प्रतिद्वंदी दल होते हैं, प्रतिद्वंदी कैंडिडेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने के लिए अनर्गल बयानबाजी कंटिन्यू करते रहते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है, ये कोई नई बात भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप लोगों के अंदर दम है तो आमने सामने जो मैदान में खुल के आइए, एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत आके अपने चुनाव लड़िए। इतना नीचे गिरने की आवश्यकता क्या है कि आप किसी का भी वीडियो या ऑडियो एडिट करके और उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाएं। मैं सोचता हूं ऐसा इसका कोई भी आप लोगों को इजाजत नहीं देता, समाज इजाजत देता है ना संविधान इजाजत। काला साहब जवाब दीजिए, वर्मा जी कह रहे हैं ऑडियो एडिट करके तिलक जी देखिए कांग्रेस का तो चाल चरित चेहरा सबके सामने है और ये लोग चुनाव जीतने के लिए कितने भी घटिया राजनीति कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और किससे छुपा नहीं है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। जवाब दीजिए काला जी, फिर सुभाष आपके पास आ रहा हूँ। चावला जी अपनी बात रख दूं? दम है तो विकास की बात करो ना, दम है तो विकास की बात करो। हम लोगों ने विकास किया, हम लोग विकास के मुद्दे पे जनता के बीच जा रहे हैं। आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, ना विकास किया ना विकास का रोड मैप है। आप लोगों बोल चुके संजीव जी, ना कोई मैं संजीव जी अपनी बात रख दूं, बोल चुके है संजीव जी, बोल चुके मैं बात कर लूं, आप बोलिए। काला जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ आप लोग आपकी जो उपलब्धियां हैं अपनी उपलब्धियों के बेस पे जाइए ना जनता के बीच। काला जी जवाब दीजिए, फिर सुभाष आपके पास आ। देखिए चावला जी, चुनाव लड़िए, एडिट वीडियो वीडियो ऑडियो करके देखिए चावला जी, ऑडियो कैसे एडिट होती है, कैसे फर्जी वीडियो तैयार होती है, ये उसके मास्टरमाइंड है, तभी तो वो आपको बता रहे हैं चावला जी, संजीव जी। और उन्होंने क्या बोला कि ये कोई नई बात नहीं है, आपने उनके शब्द सुने होंगे अभी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि इनके तो कार्यालय में एक बेटी की असमत लूट ली जाती है संगठन महामंत्री द्वारा, और वो बेटी जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर एक महानगर से लेकर और प्रदेश के प्रभारी तक दर दर की ठोकरें खाती है, जो उस बेटी पर भी इसी तरह की लांछन लगाते हैं, जो दर दर की ठोकरें न्याय के लिए खा रही थी। आप देखिए महेश नेगी जी, जिन पर जो है इतना बड़ा आरोप लगा, आप देखिए उन्नाव में किस तरीके से उन्होंने बेटी की असमत को तार तार किया और उसके परिवार तक को जो है इन्होंने जो है नस्ता नाबूद कर दिया। आप देखिए हाथरस में किस तरीके से एक बेटी की असमत लूट ली जाती है, उसको रात को 2 बजे इनके संरक्षण में जो है पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और इनके नेता वहां उन अपराधियों को बचाने के लिए पंचायतें करते हैं। और ऑडियो कैसे कटआउट होती है, कैसे ऑडियो को जो है फर्जी बनाकर, ये उस मामले में मास्टरमाइंड है, इसलिए वो आपसे कह रहे हैं। और अभी ये बात कह रहे थे संजीव जी कि विकास पर आइए, मैं इनको दावा करता हूं कि ये जरा एक काम गिना दे जनता के बीच में जाकर, ये जनता के बीच में जाकर पता है आपको साहब चावला जी आज भी सिर्फ मोदी जी के नाम पर जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, एक अपनी उपलब्धियों के नाम पर जाकर वोट मांगने का काम नहीं कर रहे हैं। हरीश रावत और राहुल गांधी के नाम पर क्या दिक्कत है? नहीं हम जा रहे हैं ना, हम उनके साथ साथ, हम उसके साथ साथ हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, मेरा पेड़ मेरा धन योजना गिना रहे हैं, हम उनको जाकर बता रहे हैं कि हमने कितने लोगों को पेंशन दी और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हम जाकर उनको बता रहे हैं कि हमने जो है महीन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम किया, हम उनको जाकर बता रहे हैं,
हम उनको जाकर बता रहे कि कांग्रेस ने क्या करने का काम किया, पर इनके पास हिंदू मुसलमान, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है नहीं, जाति धर्म के बाद अलावा इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, इनके पास जनता के पास कुछ है नहीं, इन्हें इन्हें जनता को बताने के लिए इनके पास टाइम नहीं है कि हमने 450 वाला सिलेंडर हमने 1000 का दिया, जाकर बताए ना ये जनता में। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी लाना जरूरी था क्या मेरे भाई? जुम्मे की छुट्टी अभी लानी जरूरी थी क्या आपको? अरे कलियर शरीफ पर माथा टेक रहे धन सिंह नेगी, संजीव जी, अरे धन सिंह नेगी जी कलियर शरीफ पर माथा टेक रहे हैं, संजीव जी, अरे पुष्कर सिंह धामी जी चादर चढ़ा रहे जाकर, कलियर शरीफ पुष्कर सिंह धामी जी चादर चढ़ा रहे जाकर, सरदार हमारे आपके मन आपके जो है नेता जो है आपके चाहे राजनाथ हो चाहे जितने भी नेता वो सब जा रहे माथा टेकने, और आप कलियर शरीफ में अरे बिल्डिंग में जाकर वोट मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। विजया चावला जी आपने सब जाते हैं पर जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान कराते हैं, अभी चावला जी आपने सुना ना सब जाते हैं, जब सब जाते हैं उनमें ये भी है, पर जब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ कुर्सी पाने के लिए जो हिंदू मुसलमान में आग लगाते हैं, ये दंगे छिड़वाते हैं, और आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक में भी इन्होंने दंगे करवाने का काम किया, यही चाल चरित और चेहरा भाजपा का है। वोट चाहिए मुसलमानों का, पर जब मुसलमानों का वोट लेने के बाद हिंदू मुसलमान कराते हैं। आप इनसे पूछिए ना चावला जी, ये कह रहे कि सबका अधिकार है सब जाते हैं तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान कराते हैं? मुझे एक बात बताइए, अरे संजीव जी, सुभाष संजीव जी, जुम्मे की छुट्टी में क्या इस तरह से आप स्पष्ट करिए ना, एक मिनट, अरे बीजेपी कार्यालय में कुरान रखने वाले स्पष्ट करें। काला साहब एक मिनट, काला साहब आप ही का बयान था 2019 में, मैं दिखा दूं आपको अभी कि आप जो है बीजेपी कार्यालय में जो है गीता भागवत के साथ साथ कुरान भी रखी जाएगी। यूनिवर्सिटी में आप जाओगे क्या पढ़ने के लिए? काला साहब एक, अरे आप एक मिनट फरमाइए, अरे सारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले तो आपके नेता हैं संजीव जी, सदाब संत जी कौन है जरा बताएंगे? एक मिनट शहनवाज हुसैन कौन है संजीव जी? शहनवाज हुसैन कौन है बताइए जरा आप लोगों के पास? अरे शहनवाज हुसैन कौन है? आज ऑनलाइन लोग आपका चरित्र देख लेंगे, मुझे बताइए मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? हमारे संजीव जी मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? नजमा अब्दुल्ला कौन है? हमारे नेता है। सदाब शम्स कौन है? हमारे नेता है। आपके नेता है ना, मुसलमान नहीं है? आपत्ति है क्या? अरे मुसलमान नहीं है वो, राष्ट्रवादी लोग हैं वो। वो मुसलमान है कि नहीं है आप मुझे बताइए, मुसलमान है कि नहीं है आप ये बताइए, वो मुसलमान है कि नहीं है? बीपीआई मत करिए, अरे मुसलमान है हमें, आप वो मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है हमें मुसलमान, अरे शहनवाज हुसैन सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद, मुरली मनोहर जोशी जी के दामाद, लाल किशन आडवाणी जी के दामाद, ये मुसलमान नहीं है? मुसलमान नहीं है, मुसलमान ये दोहरा चरित्र है आपका, यही दोहरा चरित्र है आपका, हमारे भाई यही दोहरा चरित्र है आपका संजीव जी, यही दोहरा चरित्र है आपका। आपके साथ है तो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस के साथ है तो तेज दौड़ेंगे, अगर आपके साथ है तो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस के साथ है तो तेज दौड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, अरे शर्म आनी चाहिए संजीव जी, न्याय सबके लिए, लेकिन आप जब जाए कलियर शरीफ पे माथा टेकने सब आएंगे, जब आप आएंगे सब आएंगे, आइए आइए जरा बताइए जनता को सिलेंडर 1000 पार क्यों किया, जनता बताएगी आपको, जब आपसे जनता पूछ रहे जवाब नहीं बन रहा आपके पास कि 1000 सिलेंडर पार कैसे ले गए, 200 रुपए किलो सरसों का तेल कैसे ले गए, 200 रुपए लीटर कैसे ले गए पेट्रोल डीजल, आप लोगों को मैं, अरे आपके लिए पानी भी नहीं है राजस्थान, आपके लिए चुल्लू में पानी भी नहीं है, शर्म ही नहीं रह गई, आंखों का पानी मर गया तुम्हारी संजीव जी, आंखों का पानी मर गया आपका, आंखों का पानी मर गया आपका, बेशर्मी है आपकी। एक मिनट प्लीज, महंगा है राजस्थान में, जवान सुन जाती है जब राजस्थान की बात करते हैं तुम्हारी जवान, अरे प्याज दर्द हो जाते हैं तुम्हारे, प्याज और लौकी आलू खत्म हो गया क्या? माला लटका लीजिए संजीव जी, महंगाई बहुत हो रही है, जनता हित में जरा माला लटका लिए,
जनता हित में जरा माला लटका लीजिए, प्याज वाली लटका लीजिए, राजस्थान में जाओ, जरा पेट्रोल पेट्रोल को लेकर जाइए, जनता जवाब देगी आपको, आप इंतजार करिए, 10 मार्च को आपको उत्तराखंड की जनता और 5 राज्यों की जनता आपको जवाब देने वाली है, संजीव जी आपको जवाब देने वाली है, आपका जो दोगुना चरित्र है, जो आपको देश को भाई से भाई को लड़ाने का चरित्र है, उस चरित्र से आपको उत्तराखंड की जनता और अन्य 5 राज्यों की जनता जवाब देने वाली है। राज्यों में मेरे PCR को भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्यों नहीं दिया आपने 500 रुपए का सिलेंडर? 5 राज्यों में क्यों नहीं दिया? अरे 15 पहले जवाब दो मेरे, 15 लाख जवाब सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया आपको, 500 रुपए का सिलेंडर 5 राज्यों में क्यों नहीं दिया? वहाँ पे आप लोगों की सत्ता है, 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? वर्मा जी का भी ऑडियो म्यूट जी, वर्मा जी, काला साहब, एक एक करके अपनी बात को रखिए, अगर मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है तो आपके नेता इस तरह के ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं जो ट्वीट्स में दिखा रहा हूं? काला साहब एक मिनट रुकिए प्लीज, सुभाष चुनाव जीतने के लिए मतलब कुछ भी करेंगे, किसी पर भी निजी हमले किए जाएंगे। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है चुनाव जैसे ही नजदीक आता है इस तरीके की कई वीडियोज ऑडियोज जो ये माना जाता है कि कहीं इनमें से असल होती हैं तो कुछ फेक होती हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, हालांकि सोशल मीडिया के जरिए ये ऑडियो सबके सामने आया और इसको लेकर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो या तमाम अन्य नेता हो उस क्षेत्र के, वो जरूर दावा कर रहे हैं कि जो ऑडियो है ये बीजेपी का किसी मिनिस्टर का है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये है कि आखिरकार इस तरीके की ऑडियोज या इस तरीके की वीडियोज चुनाव के समय ही क्यों आती है? चुनाव के समय जब जनता के बीच लोग जाते हैं, जब जनता के बीच अपनी उनकी समस्याएं सुननी होती, जब उनकी कहानी सुननी होती, जब उनको बताना होता है कि हम लोगों ने इतना विकास काम किए, हमने ये क्षेत्र में काम किया और हम इस तरीके के काम आगे करेंगे, जब ये समझाने की जरूरत जनता को होती, उस समय इस तरीके की वीडियोस और ऑडियोस से कहा जा सकता है कि जनता को भटकाने की भी कोशिश की जाती है। और यदि ये असल ऑडियो होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे माहौल भी बदलता है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का ऑडियो होता है उसके लिए माहौल खराब भी होता है। और यही वजह है कि चुनावी समय में इस तरीके की ऑडियोज वीडियोज पुरानी वीडियोस सभी चीजें चुनाव के समय लाई जाती है ताकि जनता के बीच उसको प्रसारित किया जाए, यानी कि जनता के नजरों में उसको लाया जाए कि आखिरकार विकास पर ध्यान ना दीजिए, रोजगार पर ध्यान ना दीजिए, जो महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र के लिए चाहिए उस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि इन ऑडियोज इन वीडियोज इन पुरानी जो खबरें हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो कहा जा सकता है माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता भुगतती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए काला साहब, ये नौछमी नारायणा का क्या मतलब होता है? नौछमी नारायणा, काला साहब, हेलो, नौछमी नारायणा, देखिए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है और उन्होंने लिखा है तो उन्होंने जब लिखा तो वो उस पर स्पष्टीकरण देंगी कि उन्होंने क्यों लिखा। अच्छा, क्या है स्पष्टीकरण? आप नहीं देंगे, मतलब आपके नेता लिख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है तो उनके चाल चरित्र चेहरा देख कर इससे पहले भी उनकी वीडियो वायरल हुई थी। आपके पास मुद्दों की कमी है क्या? किसके पास मुद्दों की? मुद्दों के पास हमारे पास अगर कमी होती तो हम क्या जनता के बीच में जाते? आप ऐसे ट्वीट नहीं, ट्वीट लिख रहे उस पे और नौछमी नारायणा नहीं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, बंसीधर भगत जी से पहले दिलीप सिंह रावत जी का ऑडियो वायरल हुआ कि नहीं हुआ? सुना दो दोबारा, संजीव वर्मा के बाद हुआ, दिलीप रावत वाला वो कह रहे हैं कि संजीव वर्मा जी को वो भी। आप मुझे बताइए दिलीप रावत जी का वीडियो पहले वायरल हुआ या ये वाला वीडियो पहले वायरल हुआ? संजीव वर्मा, अच्छा मतलब आप कह रहे टिट फॉर टैट कर रहे हैं? नहीं, टिट फॉर टैट नहीं, आप एक बार बताइए इस पर स्पष्टीकरण कौन देगा? अभी सुभाष जी ने भी कहा है, इस पर स्पष्टीकरण कौन देगा? और अगर आप कह रहे हैं चावला जी आपने भी कहा है तो भारतीय जनता पार्टी मुकदमे करे उनपे जिन्होंने वीडियो वायरल किया, ये स्पष्टीकरण दे उस पे। ये तो कह रहे कि ये नई बात कोई है, संजीव वर्मा जी खुद अभी आपके सामने कह रहे हैं ये नई बात नहीं है, ये स्पष्टीकरण दे उस पे। और जिन लोगों ने उस पे ट्वीट किया है, जिन लोगों ने उस पर वीडियो को वायरल किया उस पे मुकदमा करें। तिलक जी देखिए, कांग्रेस शुरू से ही घटिया राजनीति करती आई है और ये चरित्र है कांग्रेस पार्टी का कि जब इनको ये दिखाई देता है कि हम लोग एक हताशा की स्थिति में आ गए हैं। अरे क्या पता भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र कर दिया बंसीधर भगत जी के खिलाफ, साहब ये तो माहिर है। हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई नारा नहीं है,
कोई हमारे पास रोड मैप नहीं है, विकास गिनाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या लेके जाएं, हम क्या लेके जाएं? ये षड्यंत्र आप लोग करते हैं, आप ये गुटबाजी आपके लिए करते हैं, प्रीतम सिंह गोदियाल के लिए करते हैं, और गोदियाल हरक सिंह रावत के लिए करते हैं, हरक सिंह रावत देशराज कंडवाल जी, आप देशराज कंडवाल जी, यतीन्द्र आनंद जी, मदन कौशिक जी, कुंवर चैंपियन जी, लगातार एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लड़ते रहे संजीव जी, दूसरे को निपटाने में लगातार लड़ते रहे, लगातार आरोप लगाते रहे, आपके 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 सहकारिता मंत्री दस दस लाख रुपए लेने का ये लोगों की पोल पट्टी चलती है, इनको सांप सूंघ जाता है, इनके कान की सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है, इनके आंखों की देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, नैन सुख बन जाते हैं, एकदम नैन सुख बन जाते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती, अरे डूब मरो यार, डूब मरो, पांच साल की दो बार वर्मा जी हो गया शांत काला साहब शांत, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल काला और सुभाष गौड़ आपका भी, लेकिन ये उत्तराखंड की सियासत क्या वाकई में बेलगाम हो चुकी है, जहां पर चुनाव जीतने के लिए नेता कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, क्या यही होगा अब उत्तराखंड के चुनाव में, और क्या विकास के इतर हो चुका है चुनाव? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।